अस्सलामुअलैकुम क्लास बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने 9.2 कंप्लीट की थी। अब हमने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है। नेक्स्ट टॉपिक में हमारे पास आ जाता है चेन रूल। आप लोग पहले भी कई दफ़ा चेन रूल पढ़ चुके हो, लेकिन वो चेन रूल आपने दो तीन फंक्शंस की फॉर्म में पढ़ा था। अब यहाँ पे सेवरल फंक्शंस की फॉर्म में पढ़ोगे। सेवरल का मतलब होता है एक से ज़्यादा वेरिएबल्स की फॉर्म में, दो या दो से ज़्यादा। अब देखिए, अगर आपको कोई फंक्शन यू दे दिया गया है जिसके अंदर एक्स भी आ रहा है, वाई भी आ रहा है, जेड भी आ रहा है और भी काफ़ी ज़्यादा वेरिएबल्स आ रहे हैं, आपसे कहा जा रहा है कि आप इसका पार्शल डेरिवेटिव निकालो विद रिस्पेक्ट टू आर, विद रिस्पेक्ट टू एस, विद रिस्पेक्ट टू टी। अगर इन तीन के रिस्पेक्ट से आपसे कह दिया इसका डेरिवेटिव निकालो, तो इसकी चेन बनाने का मेथड क्या होगा? मैंने आपको चेन बनाना सिखानी है। चेन हमेशा कैसे बनाते होते हैं? जितने वेरिएबल इंक्लूड हो रहे होते हैं वन बाय वन, पहले उनके रिस्पेक्ट से पार्शल डेरिवेटिव लेते हैं, फिर उस टर्म का आप आर के रिस्पेक्ट से लेते हो। जैसे कि देखें, अगर आपने यू का आर के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना है, तो इसका मतलब ये है पहले यू के अंदर जितने वेरिएबल्स आ रहे होंगे आपको यू का उसके रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। जैसे कि देखें, यू का आर के रिस्पेक्ट से लेना है, तो आप पहले पार्शल यू ओवर पार्शल एक्स लिखोगे, पार्शल यू का पार्शल एक्स के रिस्पेक्ट से लोगे, और ये जो एक्स होगा इसका पार्शल डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू आर। सिमिलरली सेकंड वेरिएबल के लिए पार्शल यू ओवर पार्शल वाई, फिर पार्शल वाई का लोगे पार्शल आर के रिस्पेक्ट से। फिर सिमिलरली थर्ड वेरिएबल पार्शल जेड है, तो पार्शल यू का डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू पार्शल जेड, और फिर पार्शल जेड लोगे विद रिस्पेक्ट टू पार्शल आर। यानी जितने वेरिएबल इंक्लूड हो रहे होंगे वन बाय वन, पहले इसका इसके साथ पेयर बनाओगे, यू का एक्स के साथ, यू का वाई के साथ, यू का जेड के साथ, और जो नीचे पेयरिंग में आता जाएगा, जिस तरह एक्स आर है तो एक्स का आर के साथ, वाई का आर आर के साथ, जेड का आर के साथ। स्टार्टिंग वाले वेरिएबल इसके रिस्पेक्ट से लेने हैं, और जो उसके साथ मल्टीप्लीकेशन होनी है वो नीचे वाले टर्म का, यानी देखो इस नीचे वाले टर्म का नीचे वाले के साथ डेरिवेटिव। ठीक है, ये चेन ऐसे बनानी है। देखो, अगर इसी चीज़ का आपसे कहा जाता है एस के रिस्पेक्ट से लो, तो चेन क्या बननी थी? पार्शल यू ओवर पार्शल एक्स इंटू पार्शल एक्स ओवर पार्शल एस, पार्शल यू ओवर पार्शल वाई इंटू पार्शल वाई ओवर पार्शल एस। नीचे वो वाली चीज़ एंड पे रखनी है जो यहाँ पे मेंशन की हुई है। देखें, एंड सबका सेम होना चाहिए, और यहाँ से वेरिएबल्स देखते जाने हैं जितने इंक्लूड हो रहे होंगे। अगर देखें फॉर एग्जांपल टी के रिस्पेक्ट से लेना है, तो पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल टी, ये दोनों चीज़ें भी सेम होनी चाहिए हमेशा आपस में। ये देखें, ये दोनों भी सेम होनी चाहिए चेन में। चेन फिर इसी को कहेंगे आपस में लिंक कर रही है। तो इसी तरह देखिए, जब सेकेंड वेरिएबल के रिस्पेक्ट से लेना है, पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई, और फिर पार्शियल वाई ये इसके साथ लेके पार्शियल वाई ओवर पार्शियल टी, फिर पार्शियल यू ओवर पार्शियल जेड ओवर पार्शियल टी। ये चीज़ का ध्यान रखना है, ये चेन सेम होनी चाहिए और इसका एंड पॉइंट ये होना चाहिए, स्टार्टिंग पॉइंट ये होना चाहिए। ठीक है, ये चेन रूल बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट थी। इससे रिलेटेड आपके फर्स्ट टू क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर वन और टू में चेन रूल लगना है, मैं आपको ये करवाती हूँ। देखिए, आपके पास सबसे पहले क्वेश्चन नंबर वन स्टार्ट होता है, आपको यू बता दिया गया है, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर है, यानी यू दो फंक्शंस की फॉर्म में है, एक्स और वाई की फॉर्म में। एक्स की वैल्यू भी सेपरेट से बता दी हुई है, एक्स आर और एस के फॉर्म में दिया हुआ है, इसी तरह वाई की वैल्यू बता दी है। आपसे कहा है आपने पार्शियल यू ओवर पार्शियल आर निकालना है, पार्शियल यू ओवर पार्शियल एस निकालना है। जब भी पार्शियल डेरिवेटिव निकालना होगा बच्चों, सबसे पहले आप लोग उसकी चेन बनाओगे, चेन बनाने के बाद आप उसके अंदर काम करोगे। अब चेन बनाने के लिए जिसकी चेन बनानी है वो दोनों टर्म्स यहाँ लिख ली, पार्शियल यू ओवर पार्शियल आर और पार्शियल यू ओवर पार्शियल एस, आपने दोनों लिख ली। अब चेन बनाना शुरू करते हैं। अब चेन बनाने के लिए देखें आप क्या करोगे,